हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं मैमल्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम देख रहे हैं जिसमें मैमल का पढ़ेंगे। मैमल में स्पेशली किसका पढ़ रहे हैं? रैबिट का। ठीक है, रैबिट में यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है और इसमें ब्रीथिंग का प्रोसेस कैसे होती है, मतलब सांस का अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये इसकी प्रोसेस है वो कैसे होती है। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। तो ये जो रैबिट है, रैबिट में क्या स्पेशल, इसके आर्गन पाए जाते हैं, लंग पाए जाते हैं जिनमें इसके जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस है वो होके। तो इसमें पहले जान लेते हैं कि इसके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कितने पार्टों में बटी हुई है। ठीक है, और उसके अंतर्गत कौन कौन से आर्गन आते हैं। तो ये क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम किस में पढ़ रहे हैं? रैबिट में। तो रैबिट में रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो पार्टों में बटी रहती है, एक होती है इसेंडियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन और एक होती है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जो इसेंडियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इसे हिंदी में कहते हैं आवश्यक अंग कहेंगे, जिसमें आवश्यक अंग के अंतर्गत क्या आएंगे यहाँ पर, लंग। ठीक है, लंग से आते हैं आगे एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन को हिंदी में कहा जाता है सहायक अंग। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होगी उसमें ये सहायता करेंगे। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आर्गन आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं नॉस्ट्रिल, ठीक है, फेरिक्स, ग्लॉटिस, लैरिक्स और ट्रेकिया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब एक एक करके पढ़ते हैं कि इन सब में क्या क्या कार्य हो रही है, कहाँ से ऑक्सीजन है, कहाँ से होते हुए गुजरती है और कैसे वो लंग्स तक पहुँचती है। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके एसेसरी ऑर्गन से। तो एसेसरी ऑर्गन में क्या होती है, नॉस्ट्रिल होती है। ठीक है, नॉस्ट्रिल जिसे नासा क्षेत्र कह रहे हैं, तो ये जो नॉस्ट्रिल वाला भाग है वो, इसमें जो नॉस्ट्रिल वाला भाग है, ठीक है, ये तीन भागों में बटी हुई रहती है। ठीक है, कितने भागों में बटी हुई है, तीन भागों में बटी हुई है। तो इसका जो ये पहला भाग क्या है, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसे, वेस्टिब्यूल। ये नासा क्षेत्र है, ये नॉस्ट्रिल वाला भाग है। ठीक है, इसका जो नॉस्ट्रिल वाला भाग है उसके सबसे जो बाह्य भाग है उस भाग को क्या कह रहे हैं, वेस्टिब्यूल कह रहे हैं। ठीक है, ये जो वेस्टिब्यूल होती है ये बाहर की ओर होती है, इसमें म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक, आगे आते हैं इसका, यही आगे कहाँ पर खुलती है, ये आगे खुलती है ऑल्फैक्टरी रीजन में। ये ऑल्फैक्टरी रीजन एक पाव जैसी संरचना होती है, इन संरचना में ये जो ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी कहने का मतलब कोई भी गंध है उस गंध या स्मेल को पहचानने में हेल्प करते हैं। ठीक है, कौन सा रीजन कर रहे हैं, तो नॉस्ट्रिल का ऑल्फैक्टरी रीजन करते हैं। आगे रेस्पिरेटरी रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन है अभी क्या है, नॉस्ट्रिल के द्वारा ये ऑल्फैक्टरी में जाएगा, ऑल्फैक्टरी से कौन से रीजन में जाएगा, रेस्पिरेटरी रीजन में आगे ऑक्सीजन है वो जाती है। ठीक है, फिर और जो ऑक्सीजन है नॉस्ट्रिल के बाद कहाँ जाएगी, लैरिक्स में जाएगी, देखते हैं। ठीक है, कौन सा भाग इसका, लैरिक्स वाला भाग। आगे नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल है आगे कहाँ पर खुलती है, तो आगे नॉस्ट्रिल है वो फेरिक्स में खुलती है। ठीक है, और ये जो फेरिक्स है आगे कहाँ खुलती है, ग्लॉटिस वाले भाग में खुलती है, और ग्लॉटिस आगे खुलती है लैरिक्स में। ठीक है, ये लैरिक्स में, तो इसे स्वर स्वर ग्रंथि भी मतलब स्वर इन्हीं से क्या होती है, स्वर है वो बाहर आती है। ठीक, तो लैरिक्स है, ये लैरिक्स है थ्री कॉर्टिलेज लेयर से बनी हुई है। ठीक है, इसमें थ्री कॉर्टिलेज होती है। तो कॉर्टिलेज किसे कहते हैं, कॉर्टिलेज जो मुलायम हड्डियां होती है, ऐसे हड्डी जिसे क्या मोड़ सकते हैं। ठीक है, मुलायम होते हैं ऐसे हड्डियों को क्या कहें, कॉर्टिलेज कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में उपास्थि कहा जाता है। तो ये जो लैरिक्स है वो कॉर्टिलेज, तो इसमें तीन तरह के कॉर्टिलेज, तीन कॉर्टिलेज होती है, एक थायराइड है, ठीक है, एक होती है क्रिकाइड और एक होती है एरिटिनाइड। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पर है, ये लैरिक्स के स्ट्रक्चर में देखते हैं। ये लैरिक्स का स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे ऊपर में क्या है, यहाँ पर एपिग्लॉटिस है, तो ये ग्लॉटिस वाला भाग है। ठीक है, ग्लॉटिस है आगे, तो ये फेरिक्स से आगे कहाँ खुल रही थी, ग्लॉटिस में। ठीक है, तो ये ग्लॉटिस वाला भाग है, तो ये ग्लॉटिस आगे कहाँ खुल रही है, लैरिक्स में खुल रही है, है ना। तो ये जो लैरिक्स, ये पूरा भाग क्या है इसका, लैरिक्स वाला भाग है। तो इनके जो लैरिक्स हैं, तो ये ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस, तो एपिग्लॉटिस के बाद ये जो संरचनाएँ दिखाई दे रही, ये पूरी संरचना, ठीक है, ये पूरी संरचना है, ये पूरी संरचना क्या कहलाएंगी, थायराइड कहलाएंगी। ठीक है, ये थायराइड है, किसकी बनी हुई है, ये कॉर्टिलेज की बनी हुई है, कहाँ पर पाए जाते हैं, लैरिक्स वाले भाग में। ठीक है, ये जो संरचना दिखाई दे रही है इस संरचना को क्या कहा जाता है, एरिटिनाइट कहते हैं।
ठीक है। कौन सी संरचना है ये? एरिटिनाई संरचना। ये जो एरिटिनाई संरचना ये भी किसकी बनी रहती है? कार्टिलेज की बनी रहती है। आगे इसकी क्रिकाइड, ठीक है, इसके नीचे में क्या होती है? क्रिकाइड होती है, ठीक। इसके नीचे में एरिटिनाइड है, इसके नीचे में क्रिकाइड रहती है। ये जो क्रिकाइड है आगे ट्रेकिया में खुलती है, ठीक है। कहाँ खुल रही है? ट्रेकिया वाले भाग में खुलती है, ठीक है। क्रिकाइड कहाँ खुल रही है? ट्रेकिया में खुलती है। तो ये क्या है? ट्रेकिया। तो फिर देखते हैं ट्रेकिया है, ठीक है, ट्रेकिया। तो ये वाला भाग क्या है इसका? ट्रेकिया वाला भाग है। अब देखते हैं कैसे ब्रांचेस में बटी हुई रहती है वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो यहाँ देख लेते हैं ये क्या ट्रेकिया है, ठीक है। तो ये वाला भाग कौन सा हो गया इसका? ट्रेकिया वाला भाग हो गया, है ना। ये कौन सा भाग हो गया इसकी? ट्रेकिया वाला भाग हो गया, ठीक। अब ट्रेकिया है बाहर से क्या होती है? रिंग के द्वारा रिंग रहती है, इसमें ट्रेकिया रिंग पाई जाती है। ये ट्रेकिया रिंग है, ठीक। अब ये ट्रेकिया है, आगे दो इसकी शाखा होती है, ठीक है। दो शाखाओं में क्या हो जाती है? बट जाती है। अब इन शाखाओं को फिर से एक अलग नाम दिया गया है, ठीक है। क्या नाम दिया गया है इसका? ब्रोंकस नाम दिया गया है, ठीक है। क्या नाम है इसका? ब्रोंकस नाम है। अब ये जो ब्रोंकस है, ठीक है, ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई भी कहते हैं, ये जो ब्रोंकस या ब्रोंकाई है आगे फिर से दो भाग दो शाखाओं में या ब्रांचेस में डिवाइडेड रहते हैं। जिस जो दो ब्रांचेस है इनका भी क्या होंगे? अलग नाम होंगे। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है, क्या कहते हैं? ब्रोंकियोलस, या ब्रोंकियोलस कहेंगे या फिर ब्रोंकियाइलस भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या है? ब्रोंकियोलस वाला भाग है, ठीक है। आए समझ में इसका नाम? जैसे जैसे ये शाखाओं में बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उसे अलग अलग नाम दिया जा रहा है ना। अब इसे देखिए, अब ये भी क्या होंगे? ये जो ब्रोंकियोलस है, ये ब्रोंकियोलस है, फिर से क्या होंगे? ये टू इसके ब्रांचेस बन जाएंगे, ठीक है। अब ये ब्रांचेस क्या कहलाएंगे? एल्विलाई डक्ट कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहेंगे इसे? एल्विलाई डक्ट। और यही एल्विलाई डक्ट में एक फूली हुई संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहते हैं एल्विलर, ठीक है। क्या कहेंगे? एल्विलर, ठीक है। जिसे हिंदी में कहेंगे कुपिका, ठीक है। क्या है कुपिका? अभी इसमें बहुत सारे ऐसे संरचना पाई जाती है, ठीक है, जिसे एल्विलर कहा जाता है। ये आए समझ में? कौन सा भाग? ट्रेकिया है। ट्रेकिया आगे दो भागों में, दो शाखाओं में बढ़ जाती है, दो ब्रांचेस हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? ब्रोंकस कहते हैं। ये ब्रोंकस आगे फिर से दो शाखाओं में बढ़ती है, तब उसे क्या कह रहे हैं? तब इसे कह रहे हैं ब्रोंकियोलस। और ब्रोंकियोलस फिर से टू इसके शाखाएँ बन जाती है, डिवाइडेड हो जाती है, तब फिर इसे क्या कहते हैं? एल्विलाई एल्विलर डक्ट कहेंगे। ये जो एल्विलर डक्ट है फिर इसी में एक उभरी हुई संरचना बनती है जिसे क्या कहा जाता है? एल्विलर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ केवल यहीं तक पढ़नी थी, ठीक है। ये क्या है? ये जब मैं इसके लंग्स के बारे में बताऊँगी तब बताऊँगी, ठीक है। ये आए समझ में? ट्रेकिया वाला भाग किस कौन किससे डिवाइडेड है, फिर उसका क्या क्या नाम हुआ? आगे फिर स्टार्ट करते हैं ट्रेकिया के बाद लंग, ठीक है। लंग के बारे में पढ़ते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ये है लंग, ठीक है। रैबिट का क्या है? लंग्स है। ये लंग है, तो ये क्या कौन सा भाग है इसका? थायराइड वाला भाग है, ठीक है। ये कौन सा भाग है इसका? एपिग्लॉटिस वाला भाग। तो एपिग्लॉटिस है, थायराइड, और ये सबसे नीचे में क्या है इसका? क्रिकाइड वाला भाग। क्रिकाइड आगे कहाँ खुल रहा है? ट्रेकिया में खुलती है, ठीक है। ट्रेकिया आगे क्या टू ब्रांचेस बना ली, इस ब्रांच को क्या कहा जाता है? ट्रेकियोलस। क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है इसे? ब्रोंकियस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ब्रोंकियस। तो इसमें क्या होती है? ये जो लंग है, स्पेशली हमें यहाँ किसकी स्टडी करनी? लंग। तो लंग का स्ट्रक्चर है वो कैसा है वो देखनी। तो इसमें जो इसके लंग के जो स्ट्रक्चर है, इसमें लंग है वो कितने टू पेयर पाई जा रही है, सॉरी वन पेयर पाई जा रही है। संख्या में कितनी है? दो है, ठीक है। संख्या में कितनी है? दो है, और पेयर में देखें तो कितनी है? वन पेयर है, ठीक है। तो वन पेयर है, तो इसके जो एक साइड की जो लंग है, ठीक है, उसके जो फोर लोब होती है, ठीक है, कितने लोब होती है? फोर लोब में ये बटी हुई रहती है। और एक है जो लेफ्ट साइड की है वो केवल टू लोब में बटी हुई। तो देखते हैं कि इसके जो राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में, तो उसके लोब को क्या नाम दिया गया? तो इसके जो राइट साइड का देखते हैं, तो राइट साइड है वो कितने लोब में बटी रहती है? फोर लोब में बटी रहती है, जिसमें सबसे ऊपरी वाले भाग देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं? एंटेरियर, ठीक है, सबसे आगे की ओर है, तब उसे क्या कहें? एंटेरियर, ठीक है। एजिगोस लोब कहेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं इसका? क्या नाम है इसे? क्या इस लोब को क्या कहा जा रहा है? इस लोब को कह रहे हैं एंटेरियर
एजिगोस लोब कहते हैं। ठीक है, इसके जस्ट नीचे में देख रहे हैं, ये एक लोब है। ठीक है, इस लोब का क्या है, राइट एंटेरियर लोब कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे इसे, राइट एंटेरियर लोब। इसके जस्ट नीचे एक और लोब दिखाई दे रही है, इस लोब को क्या कहा जाता है, इस लोब को कहते हैं राइट पोस्टेरियर लोब। ठीक है, क्या है ये, राइट पोस्टेरियर लोब है। इसके बगल में ये देखो एक संरचना दिखाई जो सबसे पीछे की ओर है, इस संरचना को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पोस्टेरियर एजिगोज लोब कहेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं, एजिगोज लोब। तो देखो ये सबसे बाहर की ओर, तभी इसे क्या बोल रहे हैं, एंटेरियर एजिगोज लोब। ठीक है, सबसे बाहर में तब उसे क्या कहेंगे, पोस्टेरियर एजिगोज लोब। ठीक, अब यहाँ पर जो बीच में है उसमें देखते हैं, अब बाहर की ओर है तब उसे क्या कह रहे हैं, राइट इंटीरियर लोब, और फिर वो अंदर की ओर है, ठीक है, तब उसे क्या कह रहे हैं, मतलब पीछे की ओर है तब उसे क्या कह रहे हैं, राइट पोस्टेरियर लोब कह रहे हैं। ठीक है, आगे इसके देखते हैं लेफ्ट साइड का। ठीक है, तो लेफ्ट साइड है उसमें क्या, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड के जो लंग है वो टू लोब में बटी हुई रहती है। तो इसके सबसे जो ये ऊपर ये संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है, लेफ्ट एंटीरियर लोब है। ठीक है, और ये जो बड़ी सी संरचना दिख रही है ये क्या है, राइट पोस्टेरियर लोब है। ठीक है, क्या है, राइट पोस्टेरियर लोब है। यहाँ पर एक संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है, लेफ्ट पल्मोनरी वीनस है। ठीक है, और ये क्या है, ये वाला जो भाग है वो राइट पल्मोनरी वीनस है। तो ये संरचना समझ में आ गई कि इसकी संरचना कैसी रहती है। अभी इसके जो ये जो लंग्स हैं, ठीक है, इस लंग्स के अंदर चले अगर इसे काटे तो इसके अंदर आपको बताया थे कि ये कहाँ तक है, ये ब्रोंकियस तक है। ठीक है, ब्रोंकस तक है। अब ब्रोंकस आगे ब्रोंकियोलस में डिवाइड हुआ था, ब्रोंकियोलस आगे किस में, एल्विलर डक्ट में, फिर एल्विलर डक्ट के बाद एल्विलाई आया था। ठीक, तो इसे देखते हैं कि इसके अंदर की संरचना वो कैसे रहती है। ठीक है, ट्रेकिया, ट्रेकिया टू पार्टों में डिवाइड था, तो क्या बन गया था, ये बन गया था क्या, ब्रोंकिया। ठीक है, फिर ब्रोंकिया फिर टू पार्टों में डिवाइड था, फिर क्या हुआ था उसे, ब्रोंकियोलस का, फिर ब्रोंकियोलस क्या हुआ, तो पार्टों में डिवाइड हुआ था, उसे क्या कह रहे थे, एल्विलर डक्ट। तो ये जो एल्विलाई है, ये वाला पूरा भाग क्या है, एल्विलाई है। ठीक है, कौन सा भाग है इसका, एल्विलाई वाला भाग। तो ये जो एल्विलाई वाला भाग है, इनके जो डक्ट होंगे या नली होंगे उसे क्या कहेंगे, एल्विलाई डक्ट कहेंगे। ठीक है, तो यही एल्विलाई डक्ट आगे एक उभरी हुई संरचना बनाती है जिसे क्या कहा जाता है, एल्विलाई कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आ गई समझ में। अब यहीं पर गैस का एक्सचेंज होती है। ठीक है, यहीं पर क्या होती है, ब्लड कैपिलरी रहती है, और ब्लड कैपिलरी के द्वारा यहाँ से ये क्या हुआ, ऑक्सीजन इंटर किया, फिर ये कैपिलरी लेकर वो चला जाता है। ठीक है, सभी अंगों तक पहुँचाते हैं, और सभी अंगों या सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आते हैं, फिर यहीं पर ब्रीथिंग के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो इसकी जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत लंबी प्रोसेस है। इसे आप इसी के नेक्स्ट पेपर में पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड पेपर, अभी फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, है ना। इसके जब सेकेंड पेपर पढ़ाऊंगी उसमें आपको बताऊंगी कि इसमें जो रेस्पिरेशन, यहाँ पर गैस का जो एक्सचेंज है वो कैसे हो रहा है। तो अभी इसका देखते हैं, ब्रीथिंग। ठीक है, श्वास का अंदर लेना और बाहर छोड़ना। ठीक, मतलब ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना, ये प्रोसेस है वो कैसे होती है वो देखते हैं। ब्रीथिंग इसका देखेंगे। ठीक है, ब्रीथिंग को हिंदी में कहा जाता है श्वासोश्वास। श्वासोश्वास मतलब गैस का आदान प्रदान, मतलब ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, वो क्या है, ब्रीथिंग कहलाती है। ये जो ब्रीथिंग है वो दो तरह के, इसमें अब क्या होंगे, एक बार अंदर आएंगे तब क्या होंगे, ऑक्सीजन को अंदर इनटेक किया जाएगा तब उसे क्या कहेंगे, इंस्पिरेशन कहेंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड को आउट किया, मतलब बाहर किया जाएगा, तब उसे क्या कहेंगे, एक्सपिरेशन कहेंगे। ठीक है, तो इंस्पिरेशन इन मतलब अंदर, एक्सपिरेशन मतलब क्या होगा, बाहर। तो यहाँ पर अंदर किसे लिया जा रहा है, ऑक्सीजन को लिया जा रहा है। ठीक है, और बाहर किसे किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को किया जा रहा है। तो यहाँ देखते हैं, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, इसे क्या किया गया, श्वास लिया गया। तो श्वास लेने से क्या, ऑक्सीजन है वो कहाँ पर आ गई, फेफड़े में आ जाती है। ठीक है, फेफड़े कहने का मतलब लंग में आ जाती है। तो लंग में आएगी तो लंग के कहाँ पर आएगी, एल्विलाई वाला भाग में आएगी। ठीक है, गोल संरचना, वो कौन सा भाग है उसका, एल्विलाई वाला भाग है। तो उस एल्विलाई वाले भाग में आएंगे और क्या हो गया, इसके आकार है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्या होगा, इसका आकार है या फिर आयतन है वो बढ़ जाती है। अब बढ़ेगी कब, ये क्या है, डायफ्राम वाला भाग है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए तो ये रिब्स हैं। ठीक है, बीच में क्या रहती है, स्टर्नम रहता है, ये रिब्स है। ठीक है, रिब्स को हिंदी में पसलियाँ कहेंगे, बीच में स्टर्नम। तो जैसे ही क्या होगी,
आयतन ये बढ़ाएगी, तो जैसे ही आयतन बढ़ेंगे वैसे इसके जो डायफ्राम है वो क्या होंगे, नीचे की ओर आ जाएंगे। ठीक है, मतलब ये क्या फेर है, तो उसे जगह चाहिए, तो स्टर्नम कहाँ जाती है, नीचे की ओर हो जाती है। तो इस तरह से इसमें क्या होती है, इंस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो कहाँ से, नास्टे नास्टे से फेरिक्स, फेरिक्स से फिर फेरिक्स से ग्लॉटिस, ग्लॉटिस से लेरिक्स, लेरिक्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकस से फिर क्या लंग्स में आ जाती है। ठीक है, फिर लंग्स में आने से क्या हो जाएंगी, ये आयतन इसके बढ़ जाएंगे, आयतन बढ़ती होती है यहाँ पर डायफ्राम भी क्या हो जाती है, नीचे की ओर आ जाती है। ठीक है, अब क्या होगा, अब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करनी है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन को क्या किया, ब्लड कैपिलरी है वो ऑक्सीजन को सभी सेल तक पहुंचा देती है, आर्गन के सभी सेल तक पहुंचा दिया। अब सभी सेल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, कैपिलरी है वो लेकर आएगा। तो लेकर आएगा तभी इसे बाहर करनी है, तो बाहर करनी, इसका आयतन बढ़ी हुई, तो बाहर होगा तो क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके जो लंग्स है वो सिकुड़ेगा। ठीक है, और सिकुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर हो जाएगा। अब बाहर होगा तो सिकुड़ने के लिए ये जो डायफ्राम है इसमें क्या हुआ था, फैला था, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, और सिकुड़ने से क्या होगा, यहाँ का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर हो जाएगी। तो इस तरह से इसमें ब्रीथिंग की प्रोसेस है वो होती है। ठीक है, यहाँ तक आ गई समझ में, ब्रीथिंग की प्रोसेस कैसे होती है। ब्रीथिंग की प्रोसेस के लिए क्या है, एक्सप्रेशन इंप्रेशन है और एक क्या है, एक्सपिरेशन है। ठीक है, इंप्रेशन में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जा रहा है और एक्सपिरेशन में बाहर किया जा रहा है। ठीक है, इनटेक किया जा रहा है, इसे क्या कर बाहर किया जा रहा है, आ गई समझ में। फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।